अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैस्पर फ्री इंटरनेट कोड के बारे में। तो इस कोड की डिटेल आपको देने से पहले मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर सकें। यहाँ पर जी सबसे पहले आपको आज की इस वीडियो में मैं खुशामदीद कहता हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको चार गलतियाँ बताने वाला हूँ जो कि आप लोग रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से आपको फ्री इंटरनेट जो है वो फ़ायदा नहीं देता। तो वीडियो आज की शॉर्ट सी होने वाली है। अगर आप लोग डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अवेल है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो पहली गलती ये है कि आप लोग यार 10-10 साल पुरानी वीडियोस देख रहे होते हैं जो कि आप लोगों को ज़रा भी फ़ायदा नहीं देती, क्योंकि उसमें बताया जाने वाला कोड जो है वो तब तक एक्सपायर हो चुका होता है। तो इसकी डिटेल आपको हमारे चैनल पर पड़ी वीडियोस में मिल जाएगी। अब चलते हैं जी दूसरी गलती की तरफ। दूसरी गलती ये है कि आप लोग अपने सिम का पैकेज चेक किए बगैर कोड को डायल करते हैं। तो आप लोगों ने पहले अपने सिम का पैकेज चेक करना है, गोल्ड सिल्वर या कॉमन कस्टमर की लिस्ट में आप लोग शामिल हैं, तब आप लोगों ने इस कोड को डायल करना है। ठीक हो गया। अब तीसरी गलती जो है वो ये है कि आप लोगों ने देखना है कि आपकी जो सिम है जिस पर आप लोग फ्री कोड डायल कर रहे हैं वो आपकी सिम 2 है या सिम 1 है। अगर आपकी वो सिम 2 है तो आप लोगों ने उसको निकाल के सिम 1 में डाल लेना है, फ़ोन को रीस्टार्ट करना है, फिर आपने इस कोड को डायल करना है। ठीक है। चौथी बड़ी गलती ये है कि जो लोग फिर बाद में कमेंट करते हैं वो ये है चौथी गलती कि आपकी सिम में यार अगर बैलेंस मौजूद है तो फिर आप लोग यार पहले उस बैलेंस को इस्तेमाल करें, आपका बैलेंस 0 हो या नील हो जाए, 1 या 2 रुपये हो जाए, तो तब आपने इस कोड को डायल करना है। ठीक है। अगर आपके पास बैलेंस मौजूद होगा तो कोई भी कंपनी आपको बिल्कुल फ्री में किसी भी कोड का फ़ायदा आपको नहीं होने देगी। वो सबसे पहले एक चेक करेगी आपका अकाउंट, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो वो पहले बैलेंस आपका कट करेगी, तब आपको उसका फ़ायदा होगा। वो भी ऐसे ही समझ लें फ़ायदा आपका मतलब आपका बैलेंस कटेगा तो आपको फ़ायदा होगा, तो वो फ़ायदा नहीं, वो आपको एक पैकेज की लिस्ट में ही मिलेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, अगर आप लोग फ्री कोड ट्राई कर रहे हैं तो आप लोगों की सिम पर बैलेंस जो है वो 0 होना चाहिए। ये चार गलतियां आप लोगों ने रिपीट नहीं करनी, उसके बाद आप लोगों ने जैस की सिम से ये कोड जो है वो डायल करना है, जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। आप लोगों ने इस कोड को डायल करना है, ये आपको जैस की सिम 1 से आपने डायल करना है, जो चार गलतियाँ बताई हैं इनको रिपीट किए बगैर। और अगर फिर भी आप ये चारों गलतियाँ रिपीट किए बगैर इस कोड को डायल करते हैं और फिर भी आपको फ्री इंटरनेट नहीं मिलता, तो आप लोगों ने हमें कमेंट नहीं करने फेक के गलत के, क्योंकि हमारा यार काम है आपको बताना, आपको गाइड करना कि आप लोग क्या गलतियाँ कर रहे हैं। हो सकता है कि आप यार और भी कोई गलती कर रहे हो या आप लोग एलिजिबल ना हो इस कोड के लिए, तो तब भी आपको मतलब फ्री कोड नहीं मिलता। कई दफ़ा कंपनी के सर्वर में एरर आ जाता है जिसकी वजह से आपको फ्री कोड जो है वो फ़ायदा नहीं देते। तो कहने का मकसद यही है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं फिर भी आपको फ्री इंटरनेट फ़ायदा फ्री इंटरनेट कोड जो है फ़ायदा आपको नहीं दे रहा, तो इसमें हमारा कसूर बिल्कुल भी नहीं है। हमारा काम है वीडियो बनाकर आपको गाइड कर देना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।